भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हरियाणा में सरकार बनाने के सपने संजो रही कांग्रेस के हाथ से ही राज्य फिसल गया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर यूपी में देखने को मिलेगा, यानी कांग्रेस के लिए अब यूपी में उपचुनाव की सीटों को लेकर सपा से तोलमोल करना इतना आसान नहीं रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सपा 10 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ एक सीट फूलपुर दे सकती है। यूपी में सपा ने कांग्रेस को झटका देना भी शुरू कर दिया है। बगैर गठबंधन फाइनल किए सपा ने करहल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। मंगलवार को जब पूरा देश हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में व्यस्त था, सपा ने करहल उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा ने तेज प्रताप यादव को उपचुनाव में उतारा है। ये सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद से खाली हुई है।